नमस्ते देवियों भाइयों मैं प्रकाश दुबे और आपका मेरे पन्ने पे स्वागत है देखिए ऐसा है हाँ मैं मुक्तेश को इसलिए भी मैंने रोका आ, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि इंजीनियर हैं विदेश विदेश में रहे हैं तो मैंने ये जानने की कोशिश क्योंकि देखिए हम, हम मैं किस्से से शुरू करता हूँ कि हमने और मुक्तेश ने साथ में दो में अपना पासपोर्ट बनाया और हम लोग यही लग रहा हुए पासपोर्ट ऑफिस हुआ करता था वहाँ जो उसके हज़रतगंज चौराहे के पास में तो वहाँ गए अपना बनवाने और हम लोग जब पासपोर्ट बनवाने जा रहे थे तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बस अब ये जैसे ही बन के आएगा ना हम लोग तुरंत विदेश चले जाएंगे है ना और हम लोग अपने रिज़्यूम में जब हम लोग जब रिज्यूम तो हम लोग का बाकी सब तो अब जैसे कॉलेज में कुछ नया तो था नहीं हमारे पास लिखने को हाई स्कूल के नंबर हो गया ये हो गया हो गया हम लोग को चौड़ा चौड़ा बोल्ड बोल्ड में करके पासपोर्ट नंबर लिखते थे कि आई टी हम देखेगी और धड़ से हमको बाहर भेज देगी मैं तो आज तक नहीं जा पाया आई वाली दुनिया में और उसमें तो चक्कर में पढ़ा ही नहीं मैं तो मुकेश की रहे बाहर और आई में भी रहे तो एक बार हम समझते हैं कि विदेश में जाने वालों को तो दिक्कतें होती होंगी जैसे देश में रहने वालों को हैं हमारे जैसे लोगों को तो विदेश की जो पूरी कहानी है वो जरा तुम तो समझाओ मुक्तेश की क्या चक्कर क्या है देश का ये तो मतलब ये क्यों लोग पगलाए रहते हैं भाई ये क्या हो क्या रहा इस देश में देखिए बिल्कुल सही बात है मतलब ये ये बड़ा अच्छा किस्सा है कि हम लोग जब पासपोर्ट बनवाने गए तो हमें बताया उसने कि भाई हो गया था तो हम लोगों का पासपोर्ट नहीं उससे है? भी मज़ेदार बात यह थी कि जिससे बनवा रहे थे उसने बताया कि भाई छः महीने लग जाएंगे पासपोर्ट आने में तब टाइम लगता था और हमें लगा तेरे की छः महीने का इंतज़ार अभी क्या लिख के देंगे कंपनी को रिज्यूम में और ये हालत तब की है जब आप थर्ड ईयर में रह होंगे तो किस्सा सही में बड़ा मज़ेदार होता है मतलब ये यहीं पे नहीं ख़त्म होता जैसे तुम्हारी कई सारी किताबों में जिक्र भी है कि तैयारी व्यारी का ये तैयारी पे अंकलों की आदत ख़त्म नहीं होती है होता ये मैं तो हम लोग बल्कि दिव्य को पता है कि मतलब चार पाँच साल ऐसा रहा कि मैं भी बाहर नहीं गया यहीं पे थे तो अक्सर क्या होता था कि जिस समय हमने ज्वाइन किया तब तो उस समय शुरू हो रहा था आईटी कंपनी में बल्क हायरिंग का दौर और तीन चार साल में जो कंपनियां थीं वो बीस हज़ार से साठ हज़ार सत्तर हज़ार इस तरह होती जा रही थी तो अचानक आपके पड़ोस के भी लड़के या आपसे छोटे बच्चे या बच्चे कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ छोटे लोग भी उन कंपनियों में जाने लगे और जो चीज़ आप आईआईटी के लिए सुनते थे उस तरह की डिस्कशन सब आम हो गए थे मोहल्लों में तो जैसे कुछ चीज़ें फर्ज के तौर पे आपके घर पे कोई आए अब उन्होंने बताया अच्छा आपका लड़का कहाँ फलानी कंपनी में अच्छा अच्छा हमारा भी लड़का फलानी कंपनी में तो आजकल तो वो लंदन में है तो आ, और बेटा तुम तो आपने बताया नहीं मैंने तो उससे चार साल पहले ज्वाइन किया था अभी तक नहीं नहीं कहीं नहीं इंडिया का प्रोजेक्ट है ये आज हाँ वो बता रहा था ऐसा होता है ना भाई साहब अब वो आपसे मुखाते भी नहीं होंगे आप तो गए गुजरे हो ही गए उनकी नज़र में वो अब आपके पेरेंट्स को बताएंगे ऐसा है ना भाई साहब वो मेरिट के बेस पे चुनते हैं कि कौन सा काबिल लड़का है जो बाहर जाके काम संभाल सकता है पहले उसको भेजा जाता है फिर मतलब बाकियों का भी नंबर आता है ऐसे ही होता है भाई साहब भैया ये बात चुभती थी अच्छा वही अहम कितना भी मारिए वो पता नहीं कहाँ से पना पाता है आपने भी थोड़ी मेहनत की और ये वो करके आप अफ्रीका कहीं चले गए मान लीजिए मिडिल ईस्ट चले गए अफ्रीका चले गए फिर वही अंकल आएंगे और कहाँ मतलब कहाँ रह रहे हो आजकल तो आप बताएंगे अफ्रीका में मतलब ऑन साइड तो अब आप आपको लगा अब आप आपको सम्मान मिलेगा वो जो सम्मान आप ढूंढ रहे थे अंकल की नज़रों में जो आपका मुगालता है लेकिन वो सम्मान आपको मिल जाएगा अंकल कहेंगे अच्छा न हमारा लड़का तो अभी लंदन था बताए थे अब अमेरिका चला गया है फिर वो आपको इग्नोर करेंगे और आपके पेरेंट्स बताएँगे भाई साहब ऐसा होता है ना भाई साहब डेवलप्ड कंट्री वाले अच्छा लोग चाहते हैं मतलब उनके पास पैसा होता है तो अच्छे लोग बुलाते हैं अब ये जो नए नौसिखिए कम जानने वाले लड़के पहले वहाँ भेजे जाते हैं जहाँ लोग कम समझदार अब जैसे अफ्रीका अफ्रीका में आप जानते हैं कितना लोग पढ़े लिखे वैसे बेचारे जो जो भी भेज दीजिए चल जाता है तो लेकिन बेटा आप बेटा तुम भी जाओगे कभी मतलब ठीक है बेटा अब बेटे के लग जाए आग कि ये तो भाई मतलब अभी तो अंकल को खुश होना चाहिए था अब तो मैंने तीर मार दिया फिर आप वो छोड़ के आ जाते हैं ये वाला तो नहीं करना अब मुझे जाना है डेवलप्ड अमेरिका। अच्छा आपने बड़ी लड़ाई झगड़ा किया है एक दिन आपको अमेरिका का प्रोजेक्ट मिला और आप पहुंच गए अमेरिका। अब सब कुछ अच्छा है व्यवस्थित है हर अच्छा लगने लगा आप वहाँ सेटल हो गए आपको इज्जत मिलने लगी सो कॉल्ड इज्जत तो अब उस इज्जत के लिए क्या हुआ कि भाई आप वहाँ मेहनत करने लगे कहीं ऐसा ना वापस हो वापस चले जाए फिर ये हो जाए कि काबिल वहाँ रुक जाता है जो ना काबिल होता है वो वापस आ जाता है तो वो जो काबिलियत वाली दिक्कत थी वो आप वहाँ रुक गए अब वो रुक गए तो आप भाई काबिल तो हो गए अब दूसरी दिक्कत शुरू हो जाती है तो भाई मैं उस दिक्कत को मतलब इतने अच्छे अंदाज में शायद ना बता पाऊँ मेरा एक दोस्त है नाम मैं उससे पूछा नहीं हूँ तो नहीं बता रहा लेकिन उसके शब्दों में या उससे अच्छा मैं शायद नहीं बता पाऊंगा तो मैं ये लिबर्टी ले रहा हूँ उसको भी लेके आएंगे वो हाँ लिए लिए। ये लिबर्टी ले रहा हूँ कि उसकी बात बता सकूँ तो जैसे उसने मुझे एक दिन ऐसे ही बताया कि यार बड़ा परेशान मैंने क्या हो गया ऐसा तो यार घर फ़ोन करते मन भारी हो जाता है तो हमने कहा यार घर तो मतलब फोन करते हैं हम भी मतलब ऐसे कैसे मतलब मन भारी हो जाता अरे तुम नहीं समझोगे यार मुक्तेश मतलब अलग ही दिक्कत है यार तो हमने कहा कुछ तो बता अब बोले आप समझो मतलब हमने फ़ोन किया है इसी की और हेलो पापा तो हाँ बेटा बता कैसे हैं बढ़िया हैं आप सब सही चल रहा है बेटा आप क्या बताएं अब जिसका लड़का विदेश चला गया हो कोई ना हो घर में देखने वाला वो बढ़िया ही है अब क्या बताएं अरे पापा ये छोड़ो पापा ये बताओ मौसम मौसम कैसा है मतलब बारिश वारिश हो रही है या धूप है गर्मी है, क्या है नहीं खूब बारिश हो रही है अब जुलाई में तो बारिश ही होगी तुम अमेरिका चले गए तुम्हें कहाँ पता कि हाँ जुलाई में कहा होता है बेटा मतलब तुम भुला गए हो सब भाई देश उस भूल जाता है लड़का अरे पापा ये माइकल जैक्सन आया हुआ है आप कुछ पढ़े हो रहे हैं एक बार में हाँ आया है खूब शो कर रहा है मतलब बहुत पब्लिक जा रही है हर रोज न्यूज़ में आ रहा है सारा चैनल दिन भर पकाया हुआ हम सोचे देखो सलाह माइकल जैक्सन हुआ भी इंडिया आ गया एक हमारा लड़का अकेला बाप क्या क्या करे भाई अरे पापा ये छोड़िए अरे वो मौसी का फोन आया था मौसी कह रही थी कि मतलब जाएंगे बिट्टू की शादी में आपका क्या है हाँ मौसी तो जाएंगी बिट्टू की शादी में मौसी का क्या है ना मौसी गोरखपुर से दिल्ली जा सकती हैं भाई उनके पास उनके दो लड़के हैं घर पे कोई भी ले जाएगा अकेला बाप कहाँ दिल्ली जाएगा हम नहीं जा पाएंगे बिट्टू की शादी में अब बिट्टू की शादी अब भाई अब जब आएंगे तुम लोग तब देखा जाएगा बाकी क्या करेगा अकेला बाप अच्छा पापा रखते कल बात करेंगे हाँ कोई हमसे बात ही क्यों करना चाहेगा अमेरिका में व्यवस्था ज़्यादा अच्छा है भाई अकेला बाप यहाँ अकेले रहेगा तुम लोग करो भैया यहाँ रहो खुश खुश रहना हाँ बेटा खूब खुश रहना और इसके बाद सही में मेरा मन भारी हो आया कि भाई <laughs> मतलब अच्छा किसको बनाना था पढ़वाना किसको था पढ़ लिख के अमरीका भी आना था पैसे भी कमाने थे और जब सेटल हो गए तो अब ये गिल्ट भी लेके जीना है तो जितना रोजी दिखता है उतना रोजी नहीं हालांकि ये बड़ी हंसी वाली बात है बट जो इसको झेलना पड़े उसका शायद सीना भारी हो जाए या दिल भारी हो जाए तो कुल मिला के जमा जोड़ यही है कि इतना हर चीज़ ग्रीन नहीं है जीने नहीं मतलब कुल मिला के चैन से जीने नहीं देगा लेकिन मैं आपसे इस वीडियो के बाद एक बात कहना चाहता हूँ कि तुरंत से पहले अगर आपका पासपोर्ट नहीं बनाए <laughs> तो अपना पासपोर्ट तुरंत जाकर कोई कंपनी मतलब मैं, तो मैं तो ऐसे सोचता था कि कंपनी के ये नहीं कह रहे तो पासपोर्ट नहीं बनाए इसलिए तो मैं नहीं लेंगे तो इसलिए तो बहुत बहुत, बहुत बनवाएं और ऐसे ही कुछ आईटी और इस दुनिया भर के किस्सों के साथ जो एक्चुअली ये बात बड़ी सीरियस है अगर देखो तो भले मजाक में कही गई है और ये बहुत बड़ी दिक्कत भी है कितने सारे पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं कितनी दिक्कतें हैं और वो सपना बच्चा उनका पूरा करता है और बाद में वही चीज़ अधूरी रह जाती है तो इसी के साथ फिर आगे मुलाकात होती है बात होती है बहुत बहुत धन्यवाद बाय बाय